आज क्या क्या सॉलिडैरिटी शो करना चाह रहे हैं? आई थिंक कि मैं आज से पहले कभी किसी जलसे में नहीं गई, मैंने कभी वोट नहीं दिया और प्रॉब्लम मैं उस क्लास में से हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स भी जो है हम लोगों को कभी हम लोग कभी भी नहीं निकले, मगर अब आई थिंक वो वक्त आ गया है और वी हैव बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल कि हम इतने तंग आ गए कि वी सी होप इन इमरान खान और अब हम निकले हैं विद अ लॉट ऑफ पैट्रियटिज्म और बहुत जज्बे के साथ और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पहले कभी भी नहीं निकले वो अब सारे निकले हैं। आई थिंक जिससे भी मैंने कल पूछा है कि जा रहे हैं, एवरीबडी वॉज कमिंग, हर कोई आ रहा है यहाँ पे और आई जस्ट होप कि इलेक्शंस रिग ना हो एंड आई होप अगर रिग नहीं हुए तो फॉर श्योर इमरान खान कमिंग, फॉर श्योर ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपको लगता है इमरान खान का नया पाकिस्तान का नारा जो है वो पूरे पाकिस्तान के यूथ को एक तब्दीली की तरफ लेके जा रहा है? बिल्कुल तब्दीली की तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोग को इस पिछले 5 सालों में जितना ज्यादा हम लोग के साथ बुरा हुआ है वो प्रॉबेबली पिछले बहुत सारे सालों से नहीं है। मुशर्रफ ने वो फाउंडेशंस ले किए थे टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर आई मुशर्रफ के ज़माने में एंड जरदारी काइंड ऑफ उसको फ्यूल दिया जरदारी ने और आई थिंक कि अब इमरान खान और करप्शन ऑब्वियसली जो पिछले 5 साल में करप्शन हुई आपको पता है आखिरी दिन जो है वो जो बैंक खुले रहे छुट्टी ख़त्म कर दी ताकि अपने सारे पेट भरे और अपनी जेबें भरे तो इमरान खान इज द ओनली होप एंड आई थिंक इमरान खान का जो नारा है वो एक्चुअली सबके साथ रेजोनेट करता है सबके दिल पे जाके लगता है। आखिर में कोई ऐसा पॉइंट कहना चाहें जो परसुएट करे यूथ को इस दफा इलेक्शन के अंदर? आई थिंक मुझे कोई पॉइंट कहने की जरूरत ही नहीं है, यूथ परसुएडेड है पिछले 5 साल में जरदारी और उसकी गवर्नमेंट ने। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।